हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स, रसायन विज्ञान मतलब कि रसायन। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बड़े खुशी के साथ बता रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये टॉपिक समझने के लिए मेरे सारे स्टूडेंट्स भी आसपास बैठे हुए हैं, बस इनको आप नहीं देख पा रहे, सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ। तो जो मेरे पास ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम जैसे मैंने सामने लिख दिया, बोहर मॉडल। इन सभी का कल स्कूल में यूनिट टेस्ट है, इनके एग्जाम में ये कहते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझाइए। तो मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। तो आइए, बोहर मॉडल के बारे में मैं आपको पहले तो कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बोहर मॉडल पहला मॉडल नहीं है, एटम की स्ट्रक्चर। बोहर मॉडल था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो सबसे पहला मॉडल आया था वो था थॉमसन मॉडल। वो कौन सा था? थॉमसन मॉडल। तो मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल के बाद जो मॉडल आया था वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। वो था हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बाद आया था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। कौन सा आया था? बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्यों आया था, इसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना जरूरी है? लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना जरूरी है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशन है। रदरफोर्ड ने बताया था एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। लेकिन रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी? रदरफोर्ड बताया कि पहला था कि एटम स्टेबल है या नहीं है। अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहेगा। और घूमने के बाद लास्ट में क्या होगा? इसमें ये खुद ही किसमें गिर जाएगा? इन द एंड इलेक्ट्रॉन घूमते न्यूक्लियस के बीच में गिर जाएगा। इन द एंड इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घूमता न्यूक्लियस के बीच में गिर जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? विस्फोट धमाका। तो क्या होता है? विस्फोट धमाका। इससे क्या होता है? इस विस्फोट धमाके से एटम की स्टेबिलिटी नष्ट हो जाती है। लेकिन हम सबको पता है हमारे चारों मिट्टी से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों तक, बिल्डिंग्स तक, सब में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। अगर वो अनस्टेबल होते तो आज हम एग्जिस्ट ना कर पाते तो जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर लिमिटेशंस बताई थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, लिमिटेशन के बेसिस पर ही अगला मॉडल आता है। तो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बोहर आया। अब हम समझेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। तो आइए हम देखते हैं बोहर मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम की पहली जो हमारे पास पॉइंट है, बोहर मॉडल ने साफ बोला एक एटम है, एटम के सेंटर में ऑलमोस्ट उस एटम का सारा मास कंसंट्रेट होगा। बोहर मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोहर, एटम के सेंटर में उस एटम का ऑलमोस्ट सारा मास कंसंट्रेट होगा। और उस सेंटर में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो सेंटर में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का नाम क्या होगा? न्यूक्लियस, जो कि रदरफोर्ड ने पहले ही बता दिया था। तो ये हमारे पास पॉइंट वन। पॉइंट टू में बताया गया, बोहर मॉडल ने बताया कि एटम के सेंटर में तो न्यूक्लियस है लेकिन एटम के सेंटर के चारों ओर स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। एटम के सेंटर के चारों ओर स्टेशनरी क्या है? ऑर्बिट्स। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है, ये पहला वाला ऑर्बिट था। मैं आपके सुविधा के लिए एक और बना देता हूं, थर्ड ऑर्बिट। ये हमारे पास
फोर्थ ऑर्बिट, ऑर्बिट को हम चाहे तो सिंपल भाषा में शेल्फ भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट को हम चाहे तो सिंपल भाषा में शेल्फ भी बोल सकते हैं, के एल एम एन, के एल एम एन। तो यहां पर इन शेल्स में कौन रिवॉल्व करता है, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं और वो कभी भी अपनी शेल से बाहर नहीं आते हैं। अगर वो के शेल में है तो के में रहेंगे, एल शेल में है तो एल में रहेंगे, एम शेल में है तो एम में रहेंगे, एन शेल में है तो एन में रहेंगे। एक्सेप्ट वन थिंग, जब भी किसी एटम को हीट करते हैं या एनर्जी देते हैं, जब भी किसी एटम को हीट करते हैं या एनर्जी देते हैं तो अपने के शेल से, तो अपने के शेल से एक्साइट होकर एटम का इलेक्ट्रॉन के शेल से एक्साइट होकर कहां चल जाएगा, एल शेल में या एम शेल में या एन शेल में। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ देर के बाद वो हायर शेल में जाएगा, हायर शेल में जाने के बाद कुछ देर बाद वो अपनी नॉर्मल शेल में आ जाएगा, हायर शेल में जाने के बाद वो कुछ देर बाद किसमें आ जाएगा, अपनी नॉर्मल शेल में आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बेसिकली अपनी एक प्रॉपर शेल में रिवॉल्व करता है, या तो के शेल या एल शेल या एम शेल या एन शेल। अगर वो एक्साइट होता भी है, हायर शेल में जाता भी है, तो कुछ देर बाद अपनी नॉर्मल शेल में आ जाएगा आफ्टर लूजिंग द एनर्जी, आफ्टर लूजिंग द एनर्जी। अब जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, एटम्स के चारों ओर शेल्स होती है, सेकंड पॉइंट था कि इन शेल्स में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, थर्ड पॉइंट में बताया है, ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में बताया गया इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सब शेल में, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में या उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में उन्हीं शेल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी की वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और उसने किसी भी शेल की, उसने किसी भी शेल की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दिया, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो मान लीजिए आपसे पूछा आता है एक नंबर में एग्जाम्स में, अगर बोहर मॉडल के फर्स्ट ऑर्बिट में, अगर बोहर मॉडल के फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहता है, बोहर मॉडल के फर्स्ट ऑर्बिट में कोई अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहता है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो आपने एन की जगह क्या पुट करना, 1, 1 मींस 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आता है, माइनस 13.6। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बोहर मॉडल के थर्ड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहता है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो आपने E3 इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इट मींस 9, 3 स्क्वायर इट मींस 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे जो भी हमारे माइनस में आंसर आएगा वो हमारे पास एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, कौन से इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज द, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सबशेल में मूव कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सबशेल में मूव कर रहा है तो वो वेव करेक्टर होगा, तो कैसा होगा उसका, एक होता है पार्टिकल करेक्टर, एक होता है वेव करेक्टर। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन, आपको ध्यान, इलेक्ट्रॉन का मोशन हमेशा कैसा होगा, वेव करेक्टर। आप देख सकते हैं सीधा वहीं पर जाकर मिला, ये कंटिन्यूस होता है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं जाके मिल रहा है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूस मोशन, इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस मोशन। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जब किसी शेल में घूमता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं तो फॉर्मूला होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन mvr मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो ये था हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, आई होप आप सबने इसे ध्यान से समझा होगा, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम। बंद कर दो, वीडियो तो बनी रही है।